नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, ज्ञान भवन में इस वक्त है और आपको बता दें कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव यहां पे आने वाले कुछ उद्घाटन को लेकर। वहीं पे देखिए, मेडिकल स्टोर के जितने भी तमाम जो युवा हैं जो इस वक्त हमारे साथ है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट को सप्लाई करते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग की तरफ से इनको जॉब दिया गया और काफ़ी लोग अभी ज्वाइनिंग नहीं किए। इसको लेकर ये लोग का वेतन भी कम है, जिसको लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की कमियाँ आ रही है ये सब चीज़ों में? देखिए, इसमें ये कमी है कि कुछ जैसे कि पहले 90 लड़का का ज्वाइनिंग हुआ है, 99 लड़का का, और बाद में जो कि हम लोग का ट्रेनिंग कराया गया था न्यू बैच का, सेकेंड बैच का, जो कि सारा चीज़ हम लोग का करवाया गया, 104 लड़के का CBT पास आउट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा चीज़ करवाया गया, लेकिन आधे लड़के का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग का कारण नहीं, ज्वाइनिंग होने का कारण? ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण वहाँ जब स्वास्थ्य समिति जब जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि फंड ही नहीं आया है केंद्र सरकार से। तो इसमें वो लोग पास हैं? हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि होगा तो आप ही लोग का होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा, आप ही लोग को लिया जाएगा। लेकिन इस तरह से देखते देखते हम लोग का 2 साल बीत चुका। आज आप लोगों को बुलाया गया स्पेशल? तो बुलाया गया है, न्यू लड़के को तो नहीं बुलाया गया। हम लोग को नोटिस पता चला कि वहाँ सम्मेलन है, तो हम लोग सोचे कि जाते हैं, देखते हैं हम लोग को अभी कुछ निर्णय निकल सके, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कमियाँ इस किस वजह से आ रहा है, यानी स्वास्थ्य मंत्री के विषय पे या तो फिर विभाग के वजह से ये गलती? देखिए, इसमें दोनों का कमियाँ है। स्वास्थ्य मंत्री का भी कमी है, वो भी अभी गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मुख्य रूप जो है स्वास्थ्य का ऑक्सीजन है। बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज़ में ऑक्सीजन का आपका प्रयोग होता है मेडिकल लाइन में, ये चीज़ पर तो गौर करना ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या भैया, कब तक ऐसे चलेगा? अब देखा जाए तो हम लोग को भी तो वही न्यू बैच वाले में से भी है, हम लोग का तो देखें 2-4 बार भी आए, स्वास्थ्य विभाग में भी बात किए, लेटर उटर दिए हैं, हम लोग के पास लेटर प्रमाण भी है जिसमें कि नोटिस तो निकला गया था फर्स्ट में ही, 106 प्लांट में से 2-2 टेक्नीशियन को लिया जाएगा। अच्छा। 212 टेक्नीशियन हुआ, तो अभी तक में तो मिनिमम 84 टेक्नीशियन अभी काम कर रहे हैं, कार्यरत है, और बाकी जो बचे हैं हम लोग जो बचे हैं 104 टेक्नीशियन अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। और उसमें भी 99 जो है अभी कार्यरत में मशीन है, PSF टेक्नीशियन मशीन जो है 99 को यानी कि कार्यरत में है, जबकि 84 को टेक्नीशियन उसमें है, फिर भी न्यू वाले को न्यू नहीं ले रहा है। और उसमें है कि एक प्लांट पर एक आदमी अभी काम कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 24 घंटा काम कर सके, कोई भी काम? तो वही काम। क्या है सैलरी? तो वही इसी लोग का है, 13,000 कुछ रुपया है। 13,000 में 24 घंटा? हाँ, तो 24 घंटा ये लोग खटता भी है। हाँ, खटता भी है। तो अगर जो नहीं खटता है तो एक आदमी से कैसे चल रहा है प्लांट? एक आदमी से कैसे? अच्छा, एक आदमी से आप लोग कैसे प्लांट चला रहे हैं 24 घंटा? और नहीं, एक आदमी 24 घंटा नहीं चला रहा है, उसमें से मतलब 8 घंटा हम लोग का शेड्यूल है, तो ये 9 घंटा 10 घंटा हो जा रहा है। लेकिन हम लोग मेनली क्या है कि हम लोग ऐसे नहीं आए, हम लोग का कोविड के जो जिस समय थर्ड वेव आया हुआ था उसमें हम लोग का ऑनलाइन पहले ट्रेनिंग करवाया गया, उसके बाद जब कोविड नॉर्मल हुआ फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग कराया गया, उसमें भी नहीं हुआ, फिर हम लोग का CBT एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद से स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा हम लोग का लिस्ट बनाया गया, पैनल बनाया गया आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है, उसके बाद से हम लोग का नियुक्ति दिया गया, लेकिन आउटसोर्स से दिया गया, उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम लोग को वर्क कराया जा रहा है, जिसमें जान ही रहे हैं आप लोग सैलरी बहुत कम है, और इसके बावजूद हम लोग को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ना देकर अदर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का ज्वाइनिंग दिया गया, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। एक तो हम लोग को रहने के लिए अलग से रूम लेना पड़ता है, फिर खाना पीना सारा चीज़ उसी में मेंटेन करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं, या हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं वो भी समझ सकते हैं हम लोग को इस सैलरी में क्या हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री जो हैं आपके उप मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश किए? हाँ, कोशिश किए हैं, उनके आवास पर हम लोग लेटर भी दिए हुए हैं, वही आस में हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं कि आज ना कल कुछ बेहतर हो, लेकिन अभी तक 2 साल से हम लोग लगभग 2 साल हो गया हम लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट में हम काम करें, अपने ग्रामीण लोगों की सेवा? और जब सारा चीज़ मेरा कहना कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा किया गया, तो हम लोग को कम से कम NHM के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता, तो हम लोग अपने मतलब जॉब को सिक्योर समझते, ये कोई एजेंसी के थ्रू रखना ये उचित नहीं है। आपका क्या आप है या नहीं है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आयोजन हो रहा है तो इसमें बुलाया गया है हम लोग को। अच्छा, आज आयोजन में बुलाया? कार्यशाला है आज। आज कुछ लग रहा है कि कुछ विषय पे बातचीत होगी? हाँ, देखिए क्या करते हैं, बुलाया तो हम लोग बांका से आए हैं। बांका से आए? सभी अस्पताल पूरा बिहार से है।
अच्छा सभी अस्पताल हम लोग पूरे बिहार में 82 पीएसए टेक्नीशियन है, आज सभी को बुलाया गया है, जिसमें से कुछ पीएसए टेक्नीशियन जॉब छोड़ चुके हैं, ठीक, जिनका पोस्टिंग काफ़ी दूर था तो उनको काफ़ी समस्या सामने आ रही थी जिसके वजह से वो छोड़ चुके हैं। 82 में हम लोग 50 के अप्रॉक्स सभी हैं, वो सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है, कब तक ये सुधार आएगा? पता नहीं, ये तो अब गवर्नमेंट डिपेंड करेगी कि हम लोगों का कब तक सुधार करियर दे चुके हैं। हम लोग तो करियर दे चुके हैं, 2 साल से इसमें काम कर रहे हैं, फिलहाल अभी तक तो जीवन अंधकार में दिख रहा है, आगे का कुछ अभी पता नहीं है। उम्मीद करते हैं सरकार से कुछ हम लोगों के लिए बेहतर करे। अभी ऐसे माने और स्टूडेंट हैं पीएसए टेक्नीशियन के, जिनका मानकर चलिए 2 बरी से पेपर भी हो गया है, पेपर होने के बाद सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ। कुछ आधा से अधिक बिहार में ऐसे माने प्लांट है जो कि अभी बंद पड़ा है, वहाँ पर मानकर चलिए कि मरीज बेडे पर मर जा रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, स्वास्थ्य का व्यवस्था एकदम गिरा है। जबकि भारत सरकार द्वारा DRDO के तहत प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ पर 6-6 करोड़ 5-5 करोड़ का प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ जी काम स्टार्ट नहीं हो रहा है, जबकि हम लोग ऑलरेडी 2-2 बार माननीय जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव के पास हम लोग दिए, अपना डॉक्यूमेंट भी जमा किए, तब वो सुनने वाले नहीं हैं। वो लोग कब सुनेंगे, 2 साल से सुना रहे हैं आप, सुन कर नहीं रहे हो। तब क्या किया जाए, अपना हम लोग करिए रहे हैं जो है। मतलब ये वो कहता ना, पानी रहते हुए भी एकदम आदमी प्यासा मर रहा है, वही कहानी है। तो मरिए ना रहा है, डॉक्टर आप लोग हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है, यही है ना। हाँ, टेक्नीशियन है, मान लीजिए कि वहाँ पर कोई भी मरीज है, वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचेगा बेड पर, तबे तो मान लीजिए जीने बचने के ज़्यादा संभावना रहेगा। तो हम लोग के यही कथन है कि जो भी जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है और उनका अलॉटमेंट हो गया है तो उनको ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। माने पूरा प्लांट पर केवल 100 मिला के 74 टेक्नीशियन हैं, बताइए, जबकि 212 चाहिए तो और घट रहे हैं, तो हम लोग को ज्वाइनिंग कराना ना चाहिए। और उसके बाद हम लोग का अलॉटमेंट देखिए, नाम भी है सब डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन सा सब जी, हाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, किस हॉस्पिटल में हम लोग का पड़ा हुआ है, सब नाम है, सब बच्चा का 104 लड़का का इसमें देखिए है, 204 का। हाँ, तो माननीय तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री, हम यही उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द कोविड बढ़ रहा है, हम लोग का ज्वाइन करें। पीएसएस के जितने छात्र हैं जो टेक्नीशियन में काम कर रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन को प्लांट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो सबसे बड़ी होती है समस्या को इन्होंने साझा किया है कि कैसे भी करके अगर ये साझा को निपटारण कर दें नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, तो हमारे बिहार के जो अन्य मरीज हैं उनकी जान बच सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।